हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस है आज, और इंग्लिश में बोले तो रिपब्लिक डे है। और यहाँ पे पापा तो ऑफिस से आ चुके हैं अपना झंडारोहण जो भी हुआ वो सब करवा के, और आज सरस्वती पूजा है तो मम्मी अपना लगी हुई है मालपुए बनाने में। और ये देखो कढ़ाई चढ़ चुकी है, और ये हमारा ये इसको क्या कहते हैं मम्मी, घोल ये है, और क्या तो आज मेरठ में बसंत पंचमी का भी है तो पतंगे बहुत उड़ेंगी। अभी से ही बहुत पतंग उड़ रही होगी, मतलब दिखने नहीं यहाँ से, बट सुबह से ही फुल बेस पे स्पीकर लगा लगा के लोग गाने बजा बजा ये देखो मतलब पतंगी पतंगे उड़ रही हैं। तो हम भी चलेंगे थोड़ी देर बाद दोस्तों के यहाँ, पतंगे वतंगे उड़ाएंगे। अभी तो पहले चलते हैं नीचे, देखते हैं माता श्री को कोई ज़रूरत है तो वो ले आएंगे। फाइनली नहा धो के तैयार हो चुका हूँ, कुर्ता वर्ता पहन के अब चलते हैं पूजा करते हैं, और फिर उसके बाद चलते हैं दोस्तों के यहाँ थोड़े देर मिलेंगे। यहाँ पे हम पूजा करने जा रहे हैं बट यहाँ पे वायरिंग में कोई दिक्कत की वजह से यहाँ लाइट ही नहीं आ रही है और अंधेरे में करना पड़ रहा है पूजा। हम ठहरे जुगाड़ू इंसान, इमरजेंसी लाइट के सारे पूजा करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर सरस्वती पूजा। तो अब यहाँ पे बैठ जाते हैं, तगड़े तरीके से लड़ाए जा रहे हैं, मतलब इधर तो ऐसा पूरी पतंग ही पतंग है, इधर भी मेरे ऊपर ही उतने उड़े। और यहाँ पे यशवंत खाए जा रहे हैं, खाने से फुर्सत नहीं मिलता, मतलब कि गाने का बेस इतना हाई था कि मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ा। और फिर यहाँ पे ये देखो मतलब एक दिन का ये पूरा स्टॉक है, इतना पतंग उड़ाते हैं मेरठ वाले बसंत के दिन। और आया हूँ सर, यहाँ पे मार्केट है और ये जो पीछे दुकान है ये यहाँ पे मतलब जो प्लास्टिक की जो नहीं कहते हैं प्लास्टिक के खाली बाटी जो भी कहते हैं उसकी ये दुकान है। और यहाँ पे देखिए तो काफ़ी वैरायटी में चीज़ें हैं। फाइनली घर आ चुका हूँ, और श्रेय का जो मतलब प्लास्टिक की जो प्लेट्स और चम्मच प्लेट जो भी ग्लास लेने थे उसकी पूजा के लिए जो भी था वो लेके घर आ चुका हूँ, और अपना वो गया घर। और यार ये तो धुआं इतना, एक तो उन्होंने अगरबत्ती जला रखी है वो भी मच्छर वाली, तो उससे इतनी गंदी स्मेल आ रही है क्या एकदम। तो बस अब यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है, आलू का चोखा और चटनी और ये रोटी, तो यही खाएंगे। बाकी आज का दिन बहुत सही गया, मतलब दोस्तों के साथ पतंगे उड़ाई, कई पेचे काटे और कई हमारी भी पतंगे कटी, और साथ में फिर बहुत कुछ खाया। शुरुआत तो कटलेट से हुई, फिर चिली पोटैटो खाया, तो खाने को तो था ही बहुत कुछ, खाने के साथ साथ इंजॉय बहुत किया। और अभी तो आज तो पढ़ सकते नहीं क्योंकि बुक्स तो वहाँ रखी हैं, बुक्स क्या नोटबुक रखी है एक्चुअली, तो कल पूजा करके उसे भी उठाएंगे। तो बस यही सब कुछ है, आज का दिन ऐसा ही कुछ गया है, 26 जनवरी था तो कहीं मतलब कॉलेज तो हमारा खुला ऐसे है नहीं, तो गए थे वही दोस्तों के साथ इंजॉय किया बस। तो अभी रात के
10:30 हो रहे हैं, और मतलब आज जो फ्रेंड का बर्थडे था उसे मैंने कॉल किया कि पार्टी कब दे रहा है, तो उसे बोला कितने भेजूँ, तो मैंने बोला चल पिज़्ज़ा के पैसे भेज दे, तो उसने मार्गेटा पिज़्ज़ा के जो है वो पैसे भेज दिए और मैंने फटाक से ऑर्डर कर लिया। पार्टी मिल रही थी तो मैं छोड़ता थोड़ी ना, तो वैसे अपना दोस्त बहुत मतलब सही है, दे देता है पैसे, हेल्प करता रहता है, तो पार्टी तो बनती थी। तो मैंने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा, और देखते हैं पिज़्ज़ा हट से ऑर्डर किया कितने देर में आता है, अभी कुछ पता तो है नहीं, अब जब तक प्रिपेयर नहीं होगा तब तक। वेटिंग करते हो? हाँ ठीक, तो फाइनली पिज़्ज़ा आ चुका है हमारा, और ये हमारा मार्गरीटा पिज़्ज़ा, और इसके साथ चिली फ्लेक्स, और साथ में इटालियन, ये जो भी है क्या नाम है, ऑरिगैनो होगा आई थिंक। तो ये हमारा कुछ पैकेजिंग है पिज़्ज़ा हट का, तो चलो इसे खाते हैं। देख के तो भाई साहब भूख ऐसी ही लगी रह गई है, और चलो खाते हैं पहले इसको। तो पिज़्ज़ा पार्टी ओवर, और साथ में खाना पीना भी हो चुका, पेट एकदम भरा पड़ा है, और अब करेंगे एडिटिंग और इस ब्लॉग को करेंगे ख़त्म। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि शेयर करने से प्यार बढ़ता है, तो कर लिया करो यार। बाकी आज का दिन तो मेमोरेबल था ही, क्योंकि हमारा 74 रिपब्लिक डे था। तो बस इस ब्लॉग को देखने के लिए थैंक यू, तो फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।